छत्तीसगढ़ जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ एवं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की संयुक्त रूप आज बेमेतरा के तहसील कार्यालय के पास एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। वे अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन अपर कलेक्टर डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने लिया। इसमें प्रमुख तीन सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें कर्मचारियों को लगभग 10 वर्षों के बाद भी वेतन मान बहुत कम है, जिसे कलेक्टर दर पर दिया जाए। कर्मचारियों को समान वेतन एवं समान कार्य दिया जाए। स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्टाफ वेतन एवं दुलाई भत्ता की देने की मांग है। जिला अस्पताल के निर्माण में 10 से 12 वर्ष होने के बाद भी स्टाफ आवास नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं को रात्रिकालीन ड्यूटी होने पर वह बाहर किराए के मकान पर रहते हैं, जिससे रात ड्यूटी के लिए आने में असुविधा होती है। इसके लिए अस्पताल परिसर में ही आवास निर्माण कराया जाए। कर्मचारियों की नियमितीकरण किए जाने की मांग है। कलेक्टर दर में भुगतान की मांग को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। कलेक्टर दर पर भुगतान किए जाए, जब अन्य विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को कलेक्टर दर में भुगतान किया जा रहा है, तो भला उनकी अपेक्षा क्यों नहीं की जा रही है। महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, हम यहाँ हमारे मतलब तीन सूत्रीय मांग के लिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे हैं। हमारे साथ रेगुलर कर्मचारी हैं और जीवन दीप कर्मचारी और लोग साथ में हड़ताल किए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी सरकार से तीन मांग है, हमारे कलेक्टर दर दिया जाए और जो स्टाफ सिक्योरिटी है 62 वर्ष उसको दिया जाए और हम लोग का नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ 4 से 5 है या कई लोग 10 वर्ष से काम कर रहे हैं, जिसका अभी मतलब सैलरी है मतलब 3 से 4 हज़ार बस दे रहे हैं, उसमें हम लोग का जीवन यापन नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग की सरकार से मांग है कि नियमितीकरण कम नहीं कर सके तो कम से कम हम लोग को कलेक्टर कर दर दिया जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और जीवन दीप समिति कल्याण कर्मचारी संघ के संयुक्त बैनर तले आज हम लोग एक दिवसीय हड़ताल किए जा रहे हैं। इसमें हमारे बेमेतरा जिले के और छत्तीसगढ़ समस्त जीवन दीप समिति कर्मचारी जो 5,000-6,000 तनखे में काम कर रहे हैं, जो आज की महंगाई की भत्ता के आधार में बहुत कम है, तो जिसके लिए हम कलेक्टर दर पर मांग करने के लिए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। संचालक ऑफिस से भी आदेश आ चुका है, परंतु अभी तक से हमारे जिले में कलेक्टर दर करने की कोई कार्रवाई हमारे अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं और अभी भी हमको 5-6 हज़ार से वेतन हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को कलेक्टर दर वेतन भुगतान दें और समान वेतन समान काम किया जाए। और इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे हैं कर्मचारियों को पदोन्नति मिला जाए और वेतन जो स्टाफ नर्स है उसको धुलाई भत्ता दिया जाए और जो ग्रेड पेमेंट भी चेंज जाए, जो केंद्र समान वेतन मिला जाए आदि बहुत सारे हमारे जो मांगे हैं जो स्वास्थ्य कर्मचारियों को 24-25 बिंदु में, और सबसे ज़्यादा है हमारे जिला हॉस्पिटल में। अब तक से 10-12 साल हो गए जिला हॉस्पिटल निर्माण के, परंतु जिला हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ है, जिला हॉस्पिटल में आवास निर्माण नहीं हुआ है। हमको आवास के लिए हमको किराए के मकान में रहना पड़ता है, ताकि हम बाहर से आए हमारे कर्मचारी लोग दूर दराज से मकान नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं जिला के अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को हमारे जिला अस्पताल में स्टाफ क्वार्टर के लिए निर्माण करवाया जाए, ताकि हमारे कर्मचारियों को रहने के लिए सुविधा ना हो, क्योंकि हमारे बहुत से कर्मचारी महिला कर्मचारी हैं जो रात्रिकालीन आपातकालीन ड्यूटी करते हैं और जो घर से आते हैं, तो रात्रिकालीन आज के ज़माने में महिलाएँ सुरक्षित नहीं है। मैं कहता हूँ कि उनके लिए स्टाफ क्वार्टर हमारे हॉस्पिटल संस्था के आसपास किया जाए, ताकि उनको आने जाने में असुविधा ना हो। तो ये हमारी मांगे हैं।